अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में टी टाइम में और जर्नी में खाने वाली क्रिस्पी स्नैक्स बनाएंगे। इस रेसिपी को हम टू टाइप्स दिखाते हैं, स्वीट एंड हार्ड। गेहूँ के आटे से हेल्थी क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए हमने मिक्सिंग बाउल में 250 ग्राम्स गेहूँ के आटे को दलिया है। इसको मैदा आटे से भी बना सकते हैं। इसके अंदर 2 पिंच साल्ट और 2 पिंच बेकिंग सोडे को दलिया है। इसके साथ हम 2 चम्मच घी को ऐड करेंगे। तेल भी डाल के या बटर भी डाल के बना सकते हैं, मक्खन भी डाल के बना सकते हैं। इनको घी को आटे में मिक्स कर लेना है हाथों से मसलते हुए। और ये आटा मिलाने के बाद मुट्ठी में बंद होना चाहिए पकड़ने के बाद। ऐसा रहने से खस्ते खरारे रहते हैं स्नैक्स बनने के बाद। और इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेते हुए खट्टू डो बनाएंगे। खट्टू डो बनाने से बनाने में आसान रहेगा और तलने में भी जले तले जाएंगे। देखिए हमने डो बना लिया है। इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा के 15 मिनट हम रेस्ट पर रख देते हैं। इस गुने हुए आटे को 15 मिनट के बाद हम निकाल के इनके छोटे छोटे गोले बना लेते हैं। इस आटे को दोबारा हम नहीं गुनेंगे, बस निकालिए और छोटे छोटे गोले बनाते जाइए। हम दिखाए जैसा इस गोले का साइज़ इतना रहना चाहिए। आटे को सारे गोले बना के आप साइड पर रख के फास्ट से इनको स्नैक शेप ला सकते हैं, या बनाते हुए उंगलियों से छोटे छोटे गोले उनको स्नैक शेप लाने के लिए छानी में इस तरह से अंगूठे से खसना चाहिए। देखिए हमारा शेप आ गया है। और या थोई हुई कुंगी या नवी कुंगी पे भी बना सकते हैं इन गबल को, और फोक पे भी बना सकते हैं। आपको जिस तरह से कंफर्ट रखे वैसा बना लीजिए। हमने इस छन्नी पे रख के अंदर तरफ से चौड़ाई पे हमने सरका ले दी है अंगूठे से। देखिए बच्चे दीजिए आराम से कर डालेंगे। यहाँ पे मेरी बेटी कर रही है इस स्नैक्स को। यहाँ पे गवलू बोलते हैं और ये स्वीट शॉप में बेकरी में बिकाया जाता है केजियों पे। और इसको अंगूठे से सरका लेते शेप बना लेते जाइए। पूरे हो जाने के बाद हमने 2 टाइप के बनाया है। ये कुंगी पे बनाए हुए हैं और ये छानी में बनाए हुए हैं। इनका शेप देख सकते हैं। और इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमने तेल रख लिया है कड़ी में, और तेल का हीट मीडियल हीट पे रहना चाहिए। इसे तेल में कितने माते हैं उतने डाल के क्रिस्पी और गोल्डन करना तक फ्राई कर लेना है। हम सारे एक ही दफ़ा डाल रहे हैं। आप बिगिनर है तो एक एक डालते हुए इनको डाल लेके फ्राई कर लीजिए। इनको हलाते हुए हम क्रिस्पी गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। इन गवाल को जर्नी पे ले जा सकते हैं पैकिंग करके, या बच्चों को स्नैक जैसा या टी टाइम में स्नैक में ले सकते हैं। बहुत मज़े के क्रिस्पी खरारे और टेस्टी रहेंगे। क्रिस्पी बनने के बाद इनको साइड पे कर लेते हैं। इनका कलर देख सकते हैं आप। और ऐसे ही दोबारा हम डाल लेंगे। इनको दूसरे शेप में हमने बना लिया है ताकि आपको दिखाने के लिए और इनको भी हम क्रिस्पी बनने तक फ्राई कर लेके निकाल लेते हैं। हमने पहले बनाए हुए गवल से खारे बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक और मसाले को ऐड करते हैं। नमक मसाले को मिक्स कर लेंगे। बचे हुए गवल से हम स्वीट गवल बना के दिखाएंगे। इसके लिए हमने कड़ी में 50 ग्राम गुड़ को डाल लिया है और 40 ml तक पानी डाल लेंगे। इस चाशनी को हम मिडिल हीट पे पका रहे हैं ताकि गुड़ थोड़ा से है, इसलिए ये क्वांटिटी परफेक्ट रहेगा। हम बचा ही आधी क्वांटिटी गवल के लिए और हम पका लिया है। और इसमें हम इलायची पाउडर मिक्स कर लेंगे। हम चेक कर लेते हैं इस चाशनी को पानी में डालने से ये चाशनी आ जाना चाहिए पकड़ने पर। और इस चाशनी बन गई है हमारी। इसके अंदर हम गवल डाल लेंगे। इन गवल को हम चाशनी में 1 मिनट तक पकाएंगे और इसके बाद वो फ्लेम ऑफ करके ठंडे पे रख देंगे। ठंडे पर रखने से ये चाशनी गवल लग के सूख जाएगी। यहाँ पे हमने ठंडे कर लिया है इन गवल को। आप देख सकते हैं ना ज़्यादा लगा है गुड़ ना तो कम लगा है, परफेक्ट है।
और एक टाइट भी बन गए हैं, करकरारे हो गए हैं। खारे स्वीट गवल का हम बोल में काट के दिखाते हैं, आपको जैसा कंफर्ट लगेगा वैसे बना के एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को बना दीजिए, बहुत खुश होकर खाएंगे। ये हेल्थी भी है, थोड़ा ही तेल ऑब्जर्व कर लेते हैं, पकाते वक्त क्रिस्पी और खस्ते रहेंगे। अगर हमारी रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ हमारे रेसिपी को एक लाइक करना मत भूलिए। हमारे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली में, फ्रेंड्स में। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।